हेलो दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल के इस सेशन में आज का टॉपिक है टाइम आफ्टर टाइम, समय समय पर या समय समय के बाद। द आर बी आई माइट हैव प्लेड आउट इट्स हैंड फॉर नाउ विद द लेटेस्ट रेपो रेट कट। यानी कहा कहा यह जा रहा है कि लेटेस्ट जो रेपो कट रेपो रेट में जो कट की गई है, कटौती की गई है, उसके साथ जो है आर बी आई ने जो है एक अपना कार्ड, अपना दांव खेल लिया है। फॉर नाउ मतलब कि टू प्ले आउट इट्स हैंड या टू प्ले कार्ड या टू प्ले कह सकते हैं वंस कार्ड, तो उसका मतलब जो होता है अपना दांव खेलना या कोई भी चीज को अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। तो आरबीआई जो है यहां पर कहना यह चाह रही है ये एडिटोरियल कि अपना जो ये कार्य है, अपना जो काम है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से किया है विद द लेटेस्ट रेपो रेट कट। यानी कि जो नए जो मतलब कि रेपो रेट में कटौती हुई है, उसके साथ ही आरबीआई ने अपना दांव खेल लिया है, अपना मतलब कि अपना कार्य कर लिया है, ठीक है ना, फॉर नाउ, अभी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। RBI has once again stepped up to the plate. ये जानते हैं, ये एक idiom है, ठीक है। Step up to the plate, ये होता है क्या, difficult situation में जब कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता है, तब कोई जो है उसमें कोई कदम उठाते हैं, तो उस चीज को कहते हैं step up to the plate। दिखाते हम आपको दिखाते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। Step up to the plate का मतलब होता है to take action when something needs to be done, जब कोई चीज की जरूरत है किए जाने की, इवन दो दिस इज डिफिकल्ट, जबकि यह जो है बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण देखिए, ही टुक ओवर द टीम व्हेन इट बिकेम ऑब्वियस, इसने जो है उस टीम को जो है अपने जिम्मे लिया, जब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था कि कोई भी व्यक्ति जो अन्य कोई अन्य व्यक्ति जो है वो नहीं मतलब कि कदम उठाने जा रहा है इस सिचुएशन में, जब समय जो है खराब हो रहा हो, जब सिचुएशन खराब हो रहा हो, तो उसमें कोई ये नहीं हो। तो वही चीज कहा जा रहा है कि आरबीआई जो है ऐसी परिस्थिति में, जब बिल्कुल कठिन परिस्थिति में जो एक बार फिर से जो है स्टेप अप किया है, मतलब कि कदम उठाया है एट द राइट टाइम, एकदम सही समय में, विथ मेजर्स, उन उपायों के साथ, दैट विल रिड्यूस, जो कम करेगी, क्या कम करेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करेगी और ईज करेगी, ईज मतलब ये आसान बनाएगी, यानी कि किस चीज को आसान बनाएगी, द फाइनेंशियल बर्डन ऑन बिजनेसेस, ठीक है ना। ये जो बिजनेसेस पर जो फाइनेंशियल बर्डन है, किसके कारण, एक्सटेंडेड लॉकडाउन के कारण जो बिजनेसेस पर फाइनेंशियल बर्डन है, उसको ईज करेगी, उसको आसान करेगी, सहज बनाएगी, उसको कम करेगी। विथ फ्राइडेज रेपो रेट कट ऑफ 40 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि ये जो शुक्रवार को जो है 40 बेसिस पॉइंट्स के रेपो रेट में जो कटौती की गई है, उसके साथ ही आरबीआई ने जो है हैज सेव्ड ऑफ, सेव्ड मतलब हटा देना, ठीक है ना, कम कर देना या हटा देना, कितना हटाया है मतलब कि कितना कम कर दिया है, 1.15 परसेंटेज पॉइंट्स, यानी कि 1.15 परसेंटेज पॉइंट्स उसने हटा दिया है, किस चीज़ से, फ्रॉम द रेट चार्ट्स, ठीक है ना, इन 58 डेज, यानी कि 58 दिनों में, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, सिंस द लॉकडाउन बिगेन, यानी कि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है उसके बाद से 58 दिनों में जो है ये रेट चार्ट से जो है 1.5 परसेंटेज पॉइंट्स जो है उसने सेव कर दिया है इस 40 बेसिस पॉइंट्स के रेट, मतलब कि 40 बेसिस पॉइंट्स जो है, बेसिस पॉइंट्स जो है रेपो रेट कट करने के साथ। और इस तरह जो है यह जो है क्या करता है, ब्रिंगिंग द रेपो रेट डाउन, ये जो है ला खड़ा करता है रेपो रेट को कहाँ पर, 4% में, एंड रिवर्स रेपो रेट को कितना में लाके खड़ा कर देता है, 3.35% में। इसके साथ ही विद दिस इट डज अपीयर, ऐसा प्रतीत होता है कि सेंट्रल बैंक ने जो है अपना दांव या अपना कार्ड जो है, रेपो रेट का जो कार्ड है, रेपो रेट यानी कि रेट कट का जो कार्ड है, उस चीज को बखूबी प्ले किया है, बखूबी निभाया है। फॉर नाउ, अभी के लिए, एज प्रूडेंस, जैसा कि बुद्धिमत्ता या कह सकते हैं इंटेलिजेंस कह सकते हैं इसको, प्रूडेंस को, जैसा कि प्रूडेंस डिक्टेट करती है, मतलब कि आदेश, डिक्टेट आदेश देना भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसा कि प्रूडेंस बताती है
कि दैट इट रिजर्व्स, इट मतलब कि आरबीआई जो है ये रिजर्व्स रखती है या रखेगी सम लीवरेज को, यानी कि कुछ पावर जो है उसके वो जो है अपने पास रखेगी फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा प्रूडेंस बताता है, मतलब कि ऐसा जो बुद्धि है वो कहता है ये है कि आरबीआई जो है कुछ पावर अपने पास रखेगी फ्यूचर के लिए, इफ इकोनॉमिक कंडीशन, यदि जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो डिटोरिएट हो जाता है और ज्यादा खराब हो जाता है इवन फर्दर, ठीक है। इनफैक्ट देर आर दोज हु बिलीव दैट द लेटेस्ट कट मे बी नो मोर देन अ सेंटिमेंट बूस्टर, ठीक है ना। वास्तव में अगर देखेंगे तो देर आर दोज, यहाँ वे भी हैं जो जिनका मानना है, हु बिलीव दैट द लेटेस्ट कट जो है, ये जो नवीनतम या लेटेस्ट जो कटौती है वो मे बी नो मोर देन अ सेंटिमेंट बूस्टर, ये जो है सेंटिमेंट, एक सेंटिमेंट बूस्टर से ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब ये केवल एक सेंटिमेंट बूस्टर है। सेंटिमेंट मतलब जो अभी जो सेंटिमेंट है कि बड़ा लो, मतलब कि लोगों में जो है एक सेंटिमेंट जो है वो ये है कि इकोनॉमिक जो है पूरी तरह से नीचे जा रहा है, तो उस वो जो सेंटिमेंट है उसको या उस मोरल को जो है वो आप बूस्ट करने के लिए जो आप कदम उठा रहे हैं। तो बहुत कुछ लोगों का ये मानना है कि जो लेटेस्ट कट है वो एक सेंटिमेंट बूस्टर से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि एज मतलब यहाँ क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इज एट इट्स नाडिर, मतलब कि ये जो है अपने गर्त पर है, जो आर्थिक गतिविधि जो है इज एट इट्स नाडिर, नादिर का मतलब जस्ट उल्टा होता है पीक का, ठीक है ना। एंड देर आर नॉट मैनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, ठीक है ना, और बहुत सारे जो है या बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स भी नहीं है ऑन द एनविल। एनविल का मतलब समझिए, पहले ये होता है एक मेटल ब्लॉक होता है, बड़ा सा मेटल ब्लॉक होता है, ठीक है, जिसमें जो है आप हॉट मेटल्स को जो है डालते हैं और हैमर के थ्रू जो है उसको आकार देते हैं। जैसे कुछ भी बनाना है, जैसे आप कह सकते हैं सपोज कुछ भी, इन द सेंस जैसे आप कुदाल बनाना है, या आप कह सकते हैं खुरपी जैसा होता है वो बनाना है, या फिर कोई भी बर्तन का सामान बनाना है, ठीक है ना। तो वो जो जिस आकार में आप ढालना चाहेंगे उस हॉट मेटल को, तो हॉट मेटल जो डाला जाता है वो एनविल में एक सांचा में डाला जाता है, ठीक है, जिससे जो बनता है। लेकिन यहाँ पर ऑन द एनविल का मतलब क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि ये तैयारी अभी चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई, मैच्योर नहीं है ये, ठीक है। तो वही कह रहा है कि देर आर नॉट मैनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, बहुत सारे जो है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो है बहुत सारे नहीं है ऑन द एनविल, मतलब कि अभी क्या कहते हैं प्रक्रियागत नहीं है, यानी कि बहुत सारे जो, या नॉट मैनी है, देखिएगा देर आर नॉट मैनी, बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स नहीं है ऑन द एनविल सामने में, ठीक है ना, यानी कि जिस पर मतलब कि आप कार्य कर सकें, दैट में बेनिफिट, जो मतलब कि बेनिफिट ले सकता है फ्रॉम द लोअर इंटरेस्ट रेट, यानी कि अभी जो लोअर इंटरेस्ट रेट है उससे उसको लाभ पहुंच सकता है, ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है नहीं ऑन द एनविल। ऑन द एनविल मतलब सामने में, यानी कि जिस पर अभी कार्य हो रहा हो, ठीक है ना, मैच्योर हो जाने के बाद तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जो है मान लीजिए कोई भी चीज है जो कि अभी उस पर स्टार्ट हुआ है, प्रोसेस उसका जो है वो स्टार्ट ही हुआ है, तो उसको कहते हैं ऑन द एनविल, ठीक है ना। तो देर आर नॉट मैनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑन द एनविल, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स नहीं है सामने में, ठीक है ना, सामने में मतलब इन फ्रंट ऑफ यू नहीं, मतलब सामने में मतलब उस पर अभी कोई कार्य नहीं चल रहा है, उस वो प्रक्रियागत नहीं है। दैट मे बेनिफिट फ्रॉम द लोअर इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग बोरोवर्स, जो मौजूदा बोरोवर्स हैं, जो ऋण करता है मतलब कि उधार करता है, जो उधार लिए हैं, मे बी द ओनली बेनिफिशियस, वही एकमात्र जो है मतलब कि लाभान्वित हो सकता है इस रेट कट से एट दिस पॉइंट इन टाइम, इस समय में, ठीक है ना। दैट सेड, इसके बावजूद, दैट सेड मतलब इसके बावजूद, ठीक है ना, दैट सेट का मतलब होता है हैविंग सेड दैट, ठीक ना, या दैट सेट भी कह सकते हैं, तो उसका मतलब इसके बावजूद, डिस्पाइट दैट द आरबीआई रिजर्व, सॉरी डिजर्व्स, आरबीआई को हक है पैट ऑन द बैक। देखिए पैट ऑन द बैक क्या होता है, पैट होता है थपथपाना, और ऑन द बैक पीठ पर, पीठ पर थपथपाते हैं, दैट मीन्स आपकी प्रशंसा हो रही है। तो
तो आरबीआई हकदार है प्रशंसा की, किस लिए? फॉर लिसनिंग टू फीडबैक ओवर सम ऑफ इट्स मूव्स इनिशिएटेड अर्लियर ड्यूरिंग द लॉकडाउन। यानी कि आरबीआई जो है हकदार है प्रशंसा की, किस लिए? इसलिए क्योंकि इसने जो है लॉकडाउन के दौरान जो है शुरुआत में, यानी कि अर्लियर, ठीक है ना, शुरुआत में जो इन्होंने जो कदम उठाए हैं, मूव्स मतलब कदम, और इनिशिएटिव मतलब उठाए हैं, मतलब शुरुआत किए हैं, ठीक है। तो मूव्स इनिशिएटेड अर्लियर, यानी कि शुरुआत में जो इन्होंने कुछ कदम उठाए हैं, उनमें से मतलब कुछ कदम जो उठाए हैं, उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया आई है उसको सुनने के लिए आरबीआई हकदार है प्रशंसा की, ठीक है ना। तो इसको ऐसे पढ़ लीजिए, आरबीआई जो है हकदार है प्रशंसा की, किस लिए? तो फॉर लिसनिंग टू फीडबैक, उस प्रतिक्रिया को सुनने के लिए जो आई है, किस पर? ओवर सम ऑफ इट्स मूव्स, उसके कुछ कदम पर जिसे उठाया गया था अर्लियर, पहले ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान। दस, इस तरह द एक्सटेंशन ऑफ द रीपेमेंट मॉरेटोरियम। रीपेमेंट मॉरेटोरियम मतलब जानते हैं, मॉरेटोरियम का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी को रोक देना एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है ना, द स्टॉपिंग ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हैं अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इज स्टॉप्ड, ठीक है ना। तो रीपेमेंट एक्टिविटी को जो है ना वो रोक दिया जाता है, यानी कि उस समय जो है रीपेमेंट भुगतान नहीं करना है। तो आरबीआई का ऐसा ये है, मतलब कि एक डिक्टेट है बैंकों की, ये रीपेमेंट मॉरेटोरियम जो है उसका एक्सटेंशन किया जाए, यानी कि ये जो भुगतान का जो एक मॉरेटोरियम दिया गया है, जिसमें मान लीजिए आप लोन लेते हैं और आपको जो है प्रति महीने या प्रति जो एक तिमाही हो या जो भी है, जो भी आपका मतलब कि इसको चुकाना होता है, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड में आपको वो चुकाना पड़ता है, रीपेमेंट करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, तो वो जो रीपेमेंट की जो डेट होती है उस पर एक मतलब कि स्टॉपेज लगा दिया जाता है। तो वो जो अवधि है वहाँ पर जो है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि बिजनेस चल नहीं रहे होते हैं, लोगों के पास पैसे होते नहीं है जो वो आपको जो है वो रीपे करेगी, ठीक है। तो इसलिए रीपेमेंट जो है मॉरेटोरियम का एक्सटेंशन, मतलब इस तरह, ठीक है, द एक्सटेंशन विस्तार किस चीज का? रीपेमेंट मॉरेटोरियम का। रीपेमेंट मॉरेटोरियम मतलब कि जो पुनर्भुगतान का जो 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 अवधि है उसमें जो रोक लगाई गई उसका और ज्यादा विस्तार, ठीक है ना, ऑन लोन्स, लोन्स पर इज अ वेलकम मेजर, ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ कमर्शियल बोरोवर्स, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, ठीक है ना, एक बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा नहीं कहेंगे, एक बड़ा हिस्सा कमर्शियल बोरोवर्स का, जो वाणिज्यिक जो उधारकर्ता है उन उसका जो एक बड़ा हिस्सा जो है, हैव अवेल्ड, देखिए अवेल्ड के साथ ऑफ लगता है, ठीक है ना, अवेल मतलब लाभ उठाना, तो अवेल देमसेल्व्स, और अवेल के साथ जो है ना ये हमेशा जो है उसके बाद प्रोनाउन आएगा, ठीक है, और ये देमसेल्व्स आएगा, माई सेल्फ आएगा, ठीक है, इस टाइप से आता है, अवेल मी नहीं होगा, अवेल देम नहीं होगा, अवेल देमसेल्व्स ऑफ द मॉरेटोरियम, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो कमर्शियल लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ कमर्शियल बोरोवर्स जो है हैव अवेल देमसेल्व्स ऑफ द मॉरेटोरियम, मॉरेटोरियम का उन्होंने लाभ उठाया है, बट रिटेल बोरोवर्स, लेकिन रिटेल बोरोवर्स जो हैव नॉट टेकन टू इट, मतलब कि उसने जो है इसे नहीं लिया है इन अ बिग वे, एक बड़े पैमाने पर इसे नहीं लिया है, ठीक है ना, रिटेल बोरोवर्स, लेकिन कमर्शियल बोरोवर्स जो है इसका लाभ उठाया है। येट गोइंग फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? गोइंग फॉरवर्ड का मतलब होता है इन द फ्यूचर, भविष्य में, ठीक है, फिर भी भविष्य में क्या है, देयर मे बी मोर, यहाँ ऐसे पढ़िएगा, देयर मे बी मोर, ऐसे कई सारे हो सकते हैं जो चुनेंगे इस चीज को, ऑप्टिंग फॉर इट, गिवेन दैट, गिवेन दैट का मतलब जानते ही हैं, इसे देखते हुए या कंसिडर करते हुए, इस पर विचार करते हुए, तो यहाँ पर ऐसे समझिए, येट इन द फ्यूचर या गोइंग फॉरवर्ड देयर मे बी मोर, कई सारे हो सकते हैं जो इसको चुने, गिवेन दैट, क्योंकि एक्सटेंडेड लॉकडाउन जो है, जो विस्तारित जो लॉकडाउन है, हैज लेफ्ट मैनी अ बिजनेसेस, मैनी अ बिजनेसेस, ठीक है ना, मैनी अ बिजनेसेस कहिए, सॉरी मैनी अ बिजनेस कहिए या मैनी बिजनेसेस कहिए, दोनों मतलब सेम ही होता है, अगर मैनी बिजनेस होगा तो वो प्लूरल हो जाएगा, मैनी अ बिजनेस होगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है, एक को एक एक इंडिविजुअली लेके चलते हैं, एक को कलेक्टिवली लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
हैज लेफ्ट, ये जो एक्सटर्नल लॉकडाउन है इसने छोड़ रखा है किस चीज को, बहुत सारे बिजनेसेस को, बहुत सारे व्यवसाय को, इन अ सैम्बल्स, इन अ सैम्बल्स मतलब जर्जर अवस्था में लाकर छोड़ दिया है, ठीक है ना। एंड सैलरीज, और जो सैलरीज हैव आइदर नॉट बीन पेड, या तो उन्हें पे नहीं किया गया है सैलरीज, या फिर उसे पे किया जा रहा है, या उसे बांटा जा रहा है, या वितरित किया जा रहा है विद डिलेज, मतलब कि देरी से, ठीक है। RBI हैज ऑल्सो शोन एम्पैथी, RBI ने सहानुभूति भी दिखाया है, ठीक है। कैसे? तो बाय अलाउइंग एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लोन्स, ठीक है ना। ये जो वर्किंग कैपिटल लोन्स पर जो इंटरेस्ट जो देना पड़ता है ना किसी को भी, किसी भी कंपनी को, तो वर्किंग कैपिटल लोन्स पर जो अभी इंटरेस्ट जो है वो दे नहीं पा रही है कोई भी कंपनी, मतलब कि ज़्यादातर कंपनी जो है, तो खासकर छोटी कंपनी या मध्यम आकार की जो कंपनी है, वर्किंग कैपिटल लोन्स में जो है वो इंटरेस्ट दे नहीं पा रही, तो वो जो इंटरेस्ट है धीरे 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 जमा हो रहा है। तो RBI जो है इस चीज़ को देखते हुए इसने सहानुभूति दिखाई है, कैसे? बाय अलाउइंग, उसने अनुमति दी है, मतलब RBI ने, कि एक्यूमुलेटेड जो इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि प्रत्येक महीना जो है उसका 1 लाख 2 लाख जो है इंटरेस्ट वो जमा होता चला जा रहा है, तो उसको वो पे नहीं कर पा रही है, तो वो इंटरेस्ट जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए टर्म लोन पर, ठीक है ना। तो वही चीज कह रहा है यहाँ पर कि अलाउइंग, RBI जो है अलाउ की है एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लोन्स, ठीक है ना, वो अलाउ की है क्या करने के लिए, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट को जो है किसमें बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इंटू अ टर्म लोन, एक टर्म लोन पर कन्वर्ट करने के लिए जो कि रीपेबल हो, यानी कि पुनर्भुगतान किया जाना हो बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, जो कि इस फिस्कल, इस राजस्व वर्ष के अंत में पेबल, रीपेबल मतलब कि रीपे किया जाने योग्य हो, ठीक है। बोरोर्स, जो बोरोर्स हैं वुड अदरवाइज, नहीं तो, ये अदरवाइज मतलब अन्यथा या नहीं तो, जो बोरोर्स हैं वुड हैव बीन फेस्ड, ठीक है ना। तो बोरोर्स जो है अन्यथा क्या करते, उनको सामना करना पड़ता, ठीक है ना, विद द डॉन्टिंग प्रॉस्पेक्ट, एक बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण संभावना, संभावना किस चीज की, ऑफ पेइंग अप देयर इंटरेस्ट ड्यूज इन वन शॉट एट द एंड ऑफ द मॉरेटोरियम पीरियड, यानी कि मॉरेटोरियम पीरियड के समाप्ति के बाद, ठीक है ना, यानी कि मॉरेटोरियम पीरियड के समाप्ति के बाद एक ही शॉट में, मतलब एक ही बार में, ठीक है ना, एक ही बार में जो इंटरेस्ट ड्यूज है, जो बकाया इंटरेस्ट है, जो बकाया ब्याज है, उसको पे करने का चुनौतीपूर्ण जो संभावना है उसका सामना करना पड़ता है बोरोर्स को, अन्यथा, अन्यथा मतलब यहाँ पर अदरवाइज, यानी कि नहीं तो भी कह सकते हैं आप, या अन्यथा। तो ये जो है इसने क्या किया कि इसने जो है अलाउ किया कि एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट को जो है कन्वर्ट कर दिया जाए, जो वर्किंग कैपिटल में जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट हो रहा है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए टर्म लोन पर, जो कि इस फिस्कल के लास्ट में रिपेबल है होगा, ठीक है। और इसलिए जो है अगला वाक्य में ये कहा जा रहा है, बोरोर्स वुड अदरवाइज, नहीं तो बोरोर्स जो हैं उनको सामना करना पड़ता, वुड हैव बीन फेस्ड विद द डॉन्टिंग प्रॉस्पेक्ट, उनको सामना करना पड़ता है इस चुनौतीपूर्ण संभावना से। ये संभावना क्या थी कि उनको जो है जो इंटरेस्ट ड्यूज है, ठीक है ना, जो बकाया ब्याज है उनका, उसको मॉरेटोरियम पीरियड के समाप्ति के बाद ही एक ही बार में उसको पे करने की जो संभावना थी उसको, उससे उसका सामना करना पड़ता, मतलब उस चीज को सामना करना पड़ता उसको, मतलब कि यहाँ वुड हैव बीन फेस्ड, यहाँ पर एक कह सकते हैं आप एक मतलब कंपल्सन है यहाँ पर, वुड हैव बीन फेस्ड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द एक्सटेंडेड पीरियड गिवेन, ये जो विस्तारित पीरियड जो है, जो अवधि है गिवेन जो दिया गया है, ठीक है ना, मे हाउ एवर स्टिल नॉट बी एनफ, हालांकि ये जो है अब भी स्टिल अब भी पर्याप्त नहीं हो सकता है, एज इट विल ऑफर, क्योंकि, एज मतलब क्योंकि ये जो है ऑफर करती है, ये ऑफर करेगी बोरोअर्स को केवल 7 महीना ही फ्रॉम द एंड ऑफ द मॉरेटोरियम पीरियड, ठीक है ना, मॉरेटोरियम पीरियड के खत्म होने के बाद से केवल 7 महीना ही ऑफर करेगी
ठीक है ना, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, दे विल हैव टू क्रैंक अप, उनको जो है करना पड़ेगा क्या, क्रैंक अप मतलब बढ़ाना पड़ेगा बिजनेस को जो है, इंक्रीज करना पड़ेगा अपने, क्रैंक अप देयर बिजनेसेस एंड सर्विस। और सर्विस, सर्विस का मतलब तो आप जानते ही हैं क्या होता है, सेवा होता है, बहुत सारा सर्विस, जैसे IaaS होता है, ठीक है ना। सर्विस जैसे आप बहुत सारे जो दुकानदार वगैरह हैं वो हेल्प करने के लिए आपको सर्विस देते हैं, इन द सेंस जैसे फूड सर्विस होता है, ठीक है ना। और कई सारे जो जैसे अमेजन वगैरह जो है वो होम डिलीवरी सर्विस देते हैं, बहुत सारे सर्विस का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर जो सर्विस है वहाँ पर वर्क के रूप में है, और इसका मतलब होता है टू रीपे, ठीक है ना। सर्विस का यहाँ पर जो मतलब है टू रीपे, देखिए हम आपके लिए ये लेकर आए हैं, अब ज़्यादा आसान होगा आपको समझने में। सर्विस का मतलब टू पे, टू मेक पेमेंट्स, टू पे बैक अ डेट, ठीक है ना। तो ये सर्विस का मतलब है, ये जो है वर्ब के रूप में है, तो सर्विस देयर लोन्स, अपने लोन्स को रिपे करने के लिए। द RBI कुड हैव पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब कि एक तरीके से पोस्टपोन करना। तो RBI जो है वो टाल सकती थी, क्या टाल सकती थी, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट रीपेमेंट को, मतलब कि ये जो जमा होता हुआ जो ब्याज का जो पुनर्भुगतान है उसको टाल सकती थी एक साल के लिए, बाय 1 ईयर, एक साल तक के लिए। इट माइट वेल फाइंड इटसेल्फ, हो सकता है ये अपने आप को पाए वहां पर, एक ऐसी स्थिति में, इन अ सिचुएशन जहां पर ये मजबूर हो, वेयर इट इज फोर्स्ड, जहां पर ये मजबूर हो ऑफर करने के लिए अनदर एक्सटेंशन, एक अन्य विस्तार ऑफर करने के लिए मजबूर हो, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में। अब आगे देखिए, द इंक्रीज इन ग्रुप एक्सपोजर, देखिए ये जो बढ़ोतरी की गई है ग्रुप एक्सपोजर, एक्सपोजर जानते हैं ना, एक होता है लोन और एक होता है एक्सपोजर, ठीक है। एक्सपोजर होता है क्या, जैसे लोन तो आपको मतलब कि जैसे हम आपको दिखाते हैं लोन और एक्सपोजर में अंतर क्या है, जरा सा विस्तृत में देखिए, यहाँ पर जरा छोटा है लेकिन ध्यान से देखिए, ठीक है। लोन जो होता है ये एक प्रोडक्ट होता है जो क्लाइंट को दिया जाता है, लेकिन एक्सपोजर जो होता है वो रिस्क होता है जो बैंक लेती है किसी भी लोन को देने से, ठीक है ना। तो एक्सपोजर जो होता है, जब भी बैंक कोई भी टाइप का मतलब कि क्रेडिट फैसिलिटी देती है क्लाइंट को, तो इस ये कहीं ना कहीं जो है ये एक्सपोजर उसको लेना पड़ता है किसी भी टाइप का, टू समथिंग और अ नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है ना। अगर इसको आसान तरीके में बताया जाए तो बैंक विल मॉनिटर योर एक्सपोजर टू वेरियस थिंग्स। अच्छा, एक्सपोजर कितने टाइप के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए सिंगल क्लाइंट को एक्सपोजर मिला है, जैसे हाउसिंग के लिए आप लोन लिए हैं, तो उसमें जो मान लीजिए उसका कीमत कब बढ़ेगा कब घटेगा वो एक्सपोजर है, या आप बैंकरप्ट हो जाते हैं तो बैंक को रिस्क है। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कब उछाल कब नीचे आ जाता है, जैसे वायल इंडस्ट्री है तो उसका एक्सपोजर बैंक को मिलती है, जो मान लो बैंक अगर लोन दी है। करेंसी, करेंसी में भी उछाल को मतलब कि कमोबेश क्या कहते हैं, मूवमेंट होते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये एक्सपोजर बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर आप इसको सपोज ऐसे मान सकते हैं, मान लीजिए बैंक जो है आपको किसी भी घर खरीदते हैं तो आप उसके लिए लोन लेते हैं, तो यह जो है कहीं ना कहीं ये एक बैंक के एक्सपोजर को जो है, मतलब कि आपको जो एक इंडिविजुअल के रूप में लोन दे रही है, तो ये इंडिविजुअली एक्सपोजर बन जाता है बैंक का। या फिर आपके बगल में मान लीजिए आप जहां पर घर बना रहे हैं उसके बगल में भी कोई और घर बना रहा हो, अगर वो भी अगर बैंक से लोन लेती है तो बैंक का एक्सपोजर वहां भी बन जाता है। और फिर अगर जनरल सेंस में देखेंगे तो पूरे हाउसिंग मार्केट के लिए जो है बैंक का एक एक्सपोजर बनता है, मतलब एक लिमिट है, इस लिमिट तक ही आप जो है उसको आप दे सकते हैं हाउसिंग मार्केट में। मान लीजिए हर सेक्टर के लिए अलग अलग होता है, तो एक सेक्टर मतलब हाउसिंग मार्केट में मान लीजिए इंडिविजुअली हमको दिया तो वो बैंक के लिए एक एक्सपोजर है, फिर मेरे बगल वाले को दिया तो उसको अलग है, फिर अगर इंडस्ट्री को कोई दे रहा है मान लीजिए कि रिटेल सेक्टर में है कोई तो उसको दे रहा है तो उसका अलग है। तो ये पूरे के पूरे हाउसिंग मार्केट से जुड़ा हुआ जितना भी लोन अगर दिया जा रहा है तो बैंक को कहीं ना कहीं उसका एक्सपोजर लेना पड़ता है, एक रिस्क लेना पड़ता है वो चीज़, ठीक है। और वो सीमित होता है कि इतना तक ही आप दे सकते हैं उसको। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है
कि आरबीआई ने जो है ग्रुप एक्सपोजर जो है ग्रुप एक्सपोजर का लिमिट जो है बैंक्स के लिए वो 25 से 30% कर दिया है, जिससे क्या होगा, ये लार्ज कॉरपोरेट को मदद मिलेगी, ठीक है ना, लार्ज कॉरपोरेट बोरोवर्स को मदद मिलेगी जो अपने आप को पा सकते हैं बाधित किस चीज में, इन रेजिंग फंड्स यानी कि पैसे नकदी उठाने में मार्केट से अभी, ठीक है ना, यानी कि जो खुद को मार्केट से पैसे उठाने में पैसे उगाने में, ठीक है ना, खुद को बाधित पा सकते हैं अभी, ठीक है ना, उसके लिए जो है उसके लिए मतलब उसके लिए यानी कि लार्ज कॉरपोरेट बोरोस के लिए यह मददगार साबित होगी, विल हेल्प, ठीक है ना। देयर वॉज सम डिसअपॉइंटमेंट, कुछ निराशा है मार्केट्स में बाजार में कि आरबीआई जो है डिड नॉट रिलैक्स नॉर्म्स, कि आरबीआई जो है उसने मानदंड, ठीक है ना, एक जो मापदंड है लोन रीस्ट्रक्चरिंग का, जो कि लेंडर्स लेंडर्स यानी कि जो बैंक जो दे रही है या एनबीएफसी जो देती है, तो ये जो लेंडर्स के द्वारा जो लोन दिया जा रहा है तो उसको रीस्ट्रक्चर करने का जो एक मतलब कि उसको फिर से जो है स्ट्रक्चर करने का जो नॉर्म्स है जो मापदंड है जो मानदंड है उसको आरबीआई ने रिलैक्स नहीं किया, मतलब उसको सहज नहीं बनाया, ठीक है। द सेंट्रल बैंक हैज प्लेड इट्स कार्ड वेल, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक ने जो है यानी कि आरबीआई ने अपने जो कार्ड्स को अच्छे से खेला है, यानी कि उसने जो है अपने दांव को अच्छे से रखा है यहाँ पर हेयर, बिकॉज क्योंकि देयर इज नो वे ऑफ नोइंग, क्योंकि कोई तरीका नहीं है जानने का, क्या जानने का, द ट्रू एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रेस नाउ, यानी कि संकट की जो वास्तविक जो सीमाएं हैं जो वास्तविक स्थिति है उसको अभी उसको जानने का कोई तरीका नहीं है, एंड हैंस और इस तरह जो है इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रपोज द राइट रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स, और ये इस तरह जो है यह काफी मतलब कि कठिन है प्रपोज करना राइट रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म, मतलब सही रीस्ट्रक्चरिंग मापदंड को जो है रखना प्रपोज करना ये बड़ा डिफिकल्ट है या डिफिकल्ट होगा। चांसेस आर, संभावनाएं ये भी है कि दैट दिस मे वेल फॉर्म पार्ट ऑफ द आरबीआईज नेक्स्ट अनाउंसमेंट, संभावना ये भी है कि यह जो है यानी कि अभी जो किया गया है ये जो है एक हिस्सा हो सकता है फॉर्म पार्ट ऑफ द आरबीआईज नेक्स्ट अनाउंसमेंट, यानी कि अगला जो अनाउंसमेंट आरबीआई करेगी उसका यह एक हिस्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें और साथ ही लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।